Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सकती है डोर लेकिन किसे मयसर है इतनी फुर्सत गुबार हो जाएगा तालुक शरार हो जाएगी मोहब्बत करम न कोई सितम रहेंगे न तुम रहो हसमुख चंचल जिसे देखते ही जिंदगी से प्यार हो जाए, तुम्हारी तरह रोती बसूरती औरत नहीं जिसे ठीक से मुस्कुराना तक ना आए, जिसे साथ लेके जाओ तो शर्मिंदगी उठानी पड़े। लगता है आपको फूल और पौधे इंसानों से ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए आप यहाँ आएंगे। ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए आई थी कि आपसे बात कर सकूं, पता तो चले कि आप मेरी टाइप के हैं भी या नहीं। थोड़ी देर के लिए आ जाएं, रस्में जैसे खत्म हो जाएंगी अब चले जाइएगा। तुम तो पीछे ही पड़ गई हो राबिया, मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगा। इंसान का दिल चाहे ना चाहे फजूल की मंगनियों पे जाता रहे, और कोई काम नहीं है। आइए ना। मेरा ख्याल है अब मंगनी की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए। दानियाल भाई कहाँ हैं? अरे वो रहे। कहाँ? वो। ओ। चलो आओ, मैं तुम लोगों को मिलवाती हूँ। आओ आपको दानियाल भाई से मिलवाते हैं। ये दानियाल भाई। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। तुम इनसे अभी तक मिली नहीं ना? जी मैं इनसे पहली दफा मिल रही हूँ। आई होप आपको मुझसे मिलके मायूसी नहीं हुई होगी। नहीं नहीं आपसे मिलके कोई क्यों मायूस होगा? रानियाल भाई हैं इतने ग्रेसफुल। हाँ ये तो है। क्या बात है बेटा अभी तक सोए नहीं? कपड़े भी तब्दील नहीं किए? जा रहा हूं। इतने बेजार क्यों हो? थक गया मम्मी और क्या, बिला वजह का फंक्शन था। अरे बेटा बिला वजह क्यों, मेरे तो दिल का अरमान पूरा हुआ है फसी की मंगनी करवा के। कितनी अच्छी लड़की है माशाल्लाह से, तुमने देखी मेरी पसंद, हर कोई तारीफ कर रहा था। काश ये सब कुछ आपने अपने इकलौते बेटे की शादी से पहले भी सोचा होता। मेरी बारी में तो बगैर देखे जबरदस्ती आपने अपनी मर्जी ठोस दी, फिर ये भी हुक्म सादर कर दिया कि निभाओ भी। वाह यार, मैंने कहा था ना उमान बहुत खूबसूरत है और आज तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। आपको कैसी लगी? भाई जैसी है वैसी लगी, लेकिन उसका इंतखाब करने से पहले कम से कम तुम्हें अपने भाई को तो देखना चाहिए था ना। दानियाल क्या गलत कहा मैंने? इतनी अच्छी इतनी मॉडर्न स्टाइलिश लड़की से अपने भाई के साथ शादी कर दी, फिर एक और बेजोड़ शादी। इस तरह की शादी ज्यादा अरसे तक कामयाब नहीं रहती है। मैं समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? बहुत जल्द उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसका शौहर उसके साथ चलते हुए कितना मिसमैच लगता है, और फिर मामला खराब होना शुरू हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ईमान बहुत खुश है इस रिश्ते से। फिर तो मुझे उसकी अक्ल और आंखों दोनों के ठीक होने पर ही शुभ है। क्यों, हसी इतना अच्छा लड़का है, मोहब्बत से भरपूर, सबका ख्याल रखने वाला, वो ईमान को बहुत खुश रखेगा। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता और तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, है ना? नहीं धानियाल, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। तो फिर क्या सुना रही हो मुझे? नहीं मैं तो सिर्फ। अच्छा बस, अच्छे तरीके से जानता हूँ क्या मतलब था तुम्हारा। सुलझ तो सकती है डोर लेकिन किसे मयसर है इतनी फुर्सत, गुबार हो जाएगा तालुक, शरार हो जाएगी मोहब्बत। यकीनन फसी भाई का फोन होगा, तुम्हें कैसे पता? जब मंगी वाली रात लड़की का फोन बजे तो समझ जाना चाहिए कि मंगेतर साहब को नींद नहीं आ रही। तुम्हें तो पड़ा तजर्बा है, तुम तो बंगाली बाबा निकले। क्यों उन्हीं का फोन है? हेलो
मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? सो तो नहीं रही थी आप? नहीं नहीं, जाग रही थी। बात हो सकती है आपसे? हटो भी। जी? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो हफ्सा हमारी बातें सुन रही थी। पी? अच्छा वो भी है, चलो मैं फोन रखता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो आपको क्या कह रही है, आप बात करें। एक्चुअली मैं ही कह रहा था। हाँ क्या कह रहे थे आप? आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, अभी चेंज करके बैठी थी। आज आप बहुत अच्छी लग रही थी, मेरी आंखों के सामने बार बार आपका चेहरा उतर रहा था। मैं वीडियो कॉल कर लूं? नहीं नहीं, अभी तो आप सिर्फ मेरे तसव्वुरात से काम चलाएं, कल बात करनी है। ओके बाय। ये हंसी किस खुशी में आ रही है? जितना बुद्धू मैं इसको समझ रही थी, ये उतना है नहीं। है? क्या कह दिया? वीडियो कॉल करने का कह रहा था। ये सारे मंगेतर ऐसे ही फजूल होते हैं। अच्छा, ये तो मैं तुमसे सुबह पूछूंगी कि तुम्हें इतनी मंगेतरों की इन्फॉर्मेशन कैसे। I don't know, अमीर राबिया को समझ क्यों नहीं आता कि सारिम को पिक करने के टाइम पे ड्राइवर को बिजी मत रखा करे। बेटा ईमान को शॉपिंग के लिए लेकर गई है, उसको ज्वेलरी वगैरह दिलानी थी। अब शादी में वक्त कितना रह गया है, थोड़ा थोड़ा कर कर ही होगा ना। आपका सूट रख दो। प्लीज डोंट टच इट। इसकी स्त्री क्यों खराब करी? मैं बस इसकी शिकने निकाल रही थी। शिकने? तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने से जो शिकने पड़ी है उन्हें कौन ठीक करेगा? मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं आपकी जिंदगी पुरसुकून और हमवार बना सकूं, लेकिन आप तो रहने दो। पुरसुकून सोच है तुम्हारी? जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मैं सिर्फ खुशी और सुकून ही ढूंढ रहा हूं। पता नहीं कौन लोग होते हैं वो जिन्हें अपनी जिंदगी में पसंदीदा बीवी मिल जाती है, और अम्मी ने तो जबरदस्ती मेरे गले में वो ढोल डाला है जो मुझे ना चाहते हुए भी बजाना ही है। शिकने जो मैंने लिखी वफा की कहानी सुने बिना ही मिटा रहे हो, उबूर करना महा जैसे फसील उठा रहे हो। जो आखिरी सांस तक रहेंगे कसक क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? मुझे क्या हुआ? चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा है, रात भर सो नहीं सके क्या? जी। भाई फंसी की बात तो समझ में आती है कि इससे रात भर नींद क्यों नहीं आई, मगर तुम क्यों नहीं सो सके? कहना क्यों चाहती हैं? मजाक कर रही हूँ बेटा। अभी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और आप मजाक कर रही हैं। तो आराम करो, घर पर ऑफिस ना जाओ बेटा।
मैं दूसरों की तरह इतना फारिग थोड़ी हूं, इतने मजे नहीं है मेरे। किसकी बात कर रहे? किसी की नहीं अम्मी। तुम क्या यहां जम के खड़ी भी हो? ऑलरेडी मुझे ऑफिस से देर हो रही है, चाय दो। जी। कब आएगा ढंग तुम्हें काम करा भैया? कभी तो कुछ सीख लो। कोई बात नहीं, मैं पिच बदल देती हूँ। रहने दो, देर हो रही है मुझे। इतनी कड़वी चाय, पत्ती का पूरा डब्बा डाल दिया था इसमें। मैं और दूध डाल देती हूँ। रहने दो, ऑफिस जाके पी लूंगा मैं। अब खड़ी क्यों यहाँ पे, जाओ। चाय इतनी भी कड़वी नहीं है जितना कि तुम्हारा रवैया है उसके साथ। आप कहना क्या चाह रही हैं अम्मी? राबिया के साथ तुम्हारा रवैया और बेजारी मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो आज शिद्दत से एहसास हो रहा था कि शायद राबिया की शादी तुम्हारे साथ करके मैंने उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। तो अब तलाफी करने अपनी ज्यादती की? आप कहें तो मैं आज और अभी आपकी भतीजी को तलाक दे देता हूं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? है? खबरदार, खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। ओ अम्मी, ऐसा क्या कह दिया मैंने? आपको दिन रात ये गम सताता रहता है ना कि मैं राबिया के साथ ज्यादती करता हूं। तो इसका मतलब है कि तुम ऐसी बात करो और वो भी बच्चे के सामने? बच्चा नहीं है ये, समझदार है, सब जानता है। सारिम, जल्दी करो। बाबा को गुस्सा आ रहा है? नहीं मेरी जान, बाबा को बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। अब जल्दी करो वरना लेट हो जाए। लाफिस मामा। दानियाल भाई बच्चों के साथ हमेशा ऐसा सुलूक करते हैं। सही कह रहे हो बेटा, और वो बेचारी उसकी सारी बातें सुन के बर्दाश्त करती है। आप लोग क्यों खामखां परेशान हो रहे हैं? मैं तो उनकी बातों की आदी हो गई हूं। शादी के बाद औरतों की सेल्फ रिस्पेक्ट कहां चली जाती है बच्चों? आपकी इतनी पुरेतमाद पर्सनालिटी थी जो दानियाल भाई के साथ ने बिल्कुल छीन ली। चुप हो जा फसी, क्यों डांट रही हो बेचारे को? सही तो कह रहा है, क्या गलत कह रहा है? वो मेरा जाती मामला है, इसे दखल देने की कोई जरूरत नहीं। सॉरी, फिर भी फसी। तुम इन मामलात में ना ही बोलो तो बेहतर है। अच्छा सॉरी ना भाई, मैं तो अपनी वाइफ के साथ ऐसे कभी नहीं करूंगा। करके तो देखो, पिटाई लगा दूंगी तुम्हारी। वैसे फुप्पो, ये कितना अच्छा लगेगा ना पिटते हुए। आपका ये अरमान भी अरमान रह जाएगा। फुप्पो ने आज तक मुझे डांटा नहीं, ये मुझे मारेंगी। ठीक कह रहा है फुप्पो,
आपका प्यार हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक इनाम है और तुम दोनों भी अल्लाह की तरफ से तोहफा हो हमारे लिए। याद है ना तुम्हें आज ईमान को शॉपिंग के लिए ले जाना है? जी अभी फोन करती हूँ। रहमत को कहना हमारे लिए चाय भी बना दे। ईमान, ईमान, ईमान। अरे वो ड्राइवर आ गया, जल्दी से जाओ तुम्हें लेने आया है। अब बस तैयार हूँ मैं। वाह मम्मी ड्राइवर आप ही, तुम्हारे तो मजे ही हो गए। बस अपने अपने नसीब की बात होगी। ये सब अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। और सुनो ज्यादा खर्चा मत करना, सोच समझ के खरीदारी करना। और मंगनी के मौके पे भी तुमने बहुत खर्चा करवाया था उन लोगों का। वो अम्मी एक तो आपकी फजूल की नसीहतें शुरू हो जाती हैं। अब वो अपनी मर्जी से दिला रहे हैं ना, मैं फोर्स थोड़ी कर रही हूँ। और इतने अमीर घराने में शादी हो रही है तो क्या मैं अपने दिल के अरमान भी ना निकालूं? उफ मेरे खुदाया, इस लड़की को समझाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। जो तुम्हारी मर्जी आए वो करो, लेकिन जाओ तो सही। बेचारा ड्राइवर इतनी देर से इंतजार कर रहा है, सूख कर कांटा हो जाएगा। हाँ तो ड्राइवर है, उसका तो काम ही है वेट करना, कोई एहसान थोड़ी कर रहा है। हाय अल्लाह, उसके अंदाज तो देखो, खुदा हाफिज किए बगैर ही चली गई। थोड़े अम्मी, उसके तो आजकल पांव ही जमीन पर नहीं टिकते, हमें क्या खाक याद रखेगी। कौन सी अच्छी लग रही है आप देख लें? सारी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये वाली ट्राई करो, ये मुझे ज्यादा भारी लग रही है। देखूं? हाँ हाँ। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए अम्मी। बेटा ऑफिस के ड्राइवर को जरा सारे को पिक करने के लिए भेज दो, राबिया ड्राइवर को शॉपिंग के लिए लेकर गई है। आई डोंट नो अम्मी, राबिया को समझ क्यों नहीं आता कि सारे को पिक करने के टाइम पे ड्राइवर को बिजी मत रखा करे। बेटा ईमान को शॉपिंग के लिए लेकर गई है, उसको ज्वेलरी वगैरह दिलानी थी। अब शादी में वक्त कितना रह गया है, थोड़ा थोड़ा कर कर ही होगा ना। अच्छा ठीक है, भेज दूंगा उसे। हाँ फजल, तुम ऐसा करना कि सारे को स्कूल से पिक कर लेना, और हाँ बाजी को लेने मैं चला जाऊंगा, उन्हें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुम सारे को पिक करके घर चले जाना। ओके तो फिर खुश हैं आप इस शादी से? बिल्कुल खुश क्यों नहीं होंगी, बहुत खुश हूँ। वो तो है।
ननिहाल, आप खैरियत तो है? हाँ बिल्कुल खैरियत है, इसमें मैं घबराने वाली क्या बात है? बस आपने डरा दिया। नहीं इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली अम्मी ने ड्राइवर को सारिम को स्कूल से पिक करने के लिए भेज दिया था। मैंने उसे कहा घर चले जाओ, तुम लोग इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीद रहे थे, आई थॉट कि तुम लोग कैब में किस तरीके से लेकर आओगे, सो मैं आ गई। शॉपिंग करनी तुम लोगों ने? हाँ बस एक दो चीजें रह गई हैं। नो प्रॉब्लम, आराम से कर लो शॉपिंग। आप ईमान से तो मिलिए, ईमान रास्ते में था, अगर शॉपिंग होगी तो चले। हाँ बस मैं वो चीजें पैक करा लूँ, बाकी चीजें हम कर देंगे। तो फिर खुश हैं आप शादी से? बिल्कुल, खुश क्यों नहीं होंगी, बहुत खुश हूँ। वो तो है। चले चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राबिया। अस्सलाम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की, मैं फजल को भेज देती। मम्मी आप भी ना, वैसे मुझे खुद ही कहती रहती है मैं घर के कामों में दिलचस्पी नहीं लेता, अब मैं गया हूँ तो आपको उस पर भी एतराज है। बेटा मैं तो तुम्हारी वजह से कह रही थी। खैर दिखाओ क्या लाई हो। देखिए ना बहुत ही खूबसूरत है, और जो फजल से चीजें भिजवाई थी वो मैंने स्टोर में रखवा दी तुम्हारे लिए। वो तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन बताइए ना कैसा लगा? बहुत खूबसूरत थे। है ना, ईमान पर भी बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों नहीं लगेगा, हम कोई आम सी चीजें थोड़ी दे रहे हैं। पोपो अब उसे इतना ना चढ़ाएं, दिमाग खराब हो जाएगा उसका। बेटा नहीं होता दिमाग खराब, ये तो अपर क्लास की लड़कियां होती हैं जिनके दिमाग खराब होते हैं, मिडिल क्लास की जो लड़कियां होती हैं वो घर बनाती हैं। दिल चाहे उजड़ जाए बस घर बना रहे। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, दिमाग खराब हो गया, हर वक्त दिल जलाने वाली बातें करता रहता है। इतने सालों से जो दिल जलाया आपने उनका। ऐसी बात नहीं है, बस ना शुक्रा है। छोड़ो इन बातों को, दिखाओ मुझे और क्या लाई हो। ये देखिए। हाँ ईमान तो खुश थी ना? बहुत, इसको खुश होना भी चाहिए। हेलो, क्या कर रही थी? आपके फोन का इंतजार। मेरे फोन का इंतजार? हाँ मुझे पता था कि आप जरूर कॉल करेंगे। आपको कैसे पता? बस छोड़ें। नहीं आपको बताना होगा। अच्छा ये बताएं कि आप राबेबाजी के साथ क्यों नहीं आए? मुझे लगा आपको और आपके घर वालों को बुरा लगेगा। लीजिए उन्हें क्यों बुरा लगेगा? यानी कि आप चाहती थी कि मैं बच्चों के साथ आऊं? और क्या, जब दानल भाई को उनकी इतनी परवाह है, अपने सारे काम छोड़ के पहुंच गए उन्हें लेने के लिए, तो आप नहीं आ सकते? कितना ख्याल है उन्हें उनका। शादी तो होने दें एक बार, मैं वादा करता हूँ आपका हर लम्हे ख्याल रखूंगा, आप भी अपनी खुशनसीबी पर नाज करेंगी। अच्छा देखते हैं।
इतना कम वक्त रह गया है और इतने सारे काम पड़े हुए हैं। फिक्र मत करें, वो हो जाएगा। अब देखो, ईमान की बरी हो गई है, मेहर, वलीमे का खाना, जहेज का सामान, ढोलकी, हसी के कपड़े, और क्या काम है? बस वो बहुत है, बहुत खर्चा हो जाएगा। खर्चा हो रहा है, मेरा खर्चा हो रहा है, तुम्हें क्या फिक्र है? रखे हुए पैसे, अब इतने सालों के बाद शादी हो रही है हमारे घर में, तो अपने दिल के अरमान भी ना निकालो। फसी, एक तो तुम प्लीज लूडो खेलना छोड़ो। मम्मा मामू हार रहे, अभी मत तंग कीजिए उन्हें। दुआ करो जिंदगी के खेल में मत ना हार जाऊं। तो क्या हो गया, क्यों इतनी बुरी बुरी बातें मुंह से निकाल रहे हो आजकल? जिस हिसाब से आप इस शादी पर खर्च रही हैं, ईमान की एक्सपेक्टेशन मुझसे बढ़ जाएगी पोपो। तो पूरी कर लेना ना, इसमें क्या मुश्किल है? ये बहुत ज्यादा है, हमें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हम कोई लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बस मैंने कह दिया है उसी तरह होगा जिस तरह मैंने सब कुछ किया हुआ है अरेंज। सही है अम्मी, लुटाएं दोनों हाथों से। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए इतना मत करें कि बाद में पछताना पड़े। कैसा पछतावा अम्मी? फसी को देखा आपने, 50,000 रुपए तनख्वाह इसकी, और अब शादी पे ऐसे खर्च करी जैसे इसकी तनख्वाह 50 लाख हो। तो क्या हो गया, 50 लाख भी हो जाएगी एक दिन इंशाल्लाह, इसमें क्या मुश्किल है? आप ख्वाबों की दुनिया में रहना अम्मी, वो लड़की शौकीन मिजाज लगती है, आप उसे लिखा लें, जब उसको फंसी की हकीकत का पता चलेगा ना, एक लम्हा भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी वो। खुश रहेगी इंशाल्लाह, फंसी के साथ बहुत खुश रहेगी वो। दानियाल बेटा, एक बात मेरी याद रखना, चीजों से ज्यादा मोहब्बत और रवैये जो होते हैं वो ज्यादा अहम होते हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह सब कुछ होगा जिस तरह तुम्हारी शादी में हुआ था। पूरा घर सजेगा, मेहमान आएंगे, खूब रौनक लगेगी इंशाल्लाह। राबिया, बंद करें शोर को, बंद करें, सर फटा जा रहा है मेरा। क्या हुआ बेटा? अम्मी मैं आपको बता रहा हूं,
अगर आपने शोर शराबा बंद नहीं कराया ना तो मैं अभी इसी वक्त घर छोड़ के चला जाऊंगा। आपसे रिश्ता है प्यार का।